हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इस डिजाइन को आप जेंट्स, लेडीज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 7 के मल्टीपल फंदे लेकर 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 7 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 7 फंदे गिन लीजिए, फिर से 7, फिर से 7, फिर से 7, बार बार 7 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 6 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 6 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई है, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी बॉर्डर बनाइए और बॉर्डर के बाद जो पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, सेम आप इसको बुनना शुरू कीजिए। तो डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी साइड, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हम धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 1 फंदा उल्टा। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे छोड़कर 4 सीधे, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा। यही 7 फंदे का डिजाइन अब आप बार बार रिपीट कीजिए। धागा पीछे कर लीजिए, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 1 फंदा उल्टा। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4, फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 1 फंदा उल्टा। फिर इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4, धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा। आपके जितने भी फंदे हों यही 7 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए। लास्ट में हमारे 5 फंदे बच गए हैं, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे, अगर आपको स्लिप करना हो तो इसे भी सीधा ही बना दीजिए। डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हुई, अब आ जाइए दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। यहाँ पर मैंने ये 34 फंदे लिए हैं, 7 के मल्टीपल करके और 6 फंदे एक्स्ट्रा। तो दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर, इसे ध्यान से देखिए, पहले फंदे को आप स्लिप कीजिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। एज स्टिच के बाद 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। अब जो फंदा इधर हमने उल्टा बनाया वो इधर सीधा बुना जाएगा। तो कैसे बुनेंगे ध्यान से देखिए, 4 उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे, ये जो सिलाई के ऊपर फंदा इसे छोड़ देंगे, इससे नीचे वाले ऐसे होल में सिलाई डालेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे लेकिन सिलाई के ऊपर वाले फंदे को छोड़कर नीचे वाले छेद में सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुन देंगे। एज स्टिच के बाद ये हमारा 7 फंदे का डिजाइन है, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा हमें सीधा बुनना है, सिलाई वाले फंदे को ऊपर से छोड़ेंगे, नीचे वाले छेद में सिलाई डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे,
इस फंदे को सीधा बनाना है, इसे छोड़कर इस छेद में सिलाई डाल लेंगे नीचे वाले में और इसको सीधा बुन देंगे। फिर डिजाइन को रिपीट करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाना है, इसे छोड़कर नीचे वाले छेद में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, इसको छोड़ के इसके नीचे वाले छेद में सिलाई डालिए और इसे सीधा बनाइए। फिर से यही सात फंदे का डिजाइन बनाएंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाना है, सिलाई के ऊपर वाले फंदे को छोड़िए, उसे नीचे वाले होल में सिलाई डालिए और इसको सीधा बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब इसे हम सीधा बनाएंगे, यहाँ सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के पांच फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो दो सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, तीसरी सिलाई सीधी साइड पर, तीसरी सिलाई ठीक पहली सिलाई के जैसे ही बनाई जाएगी। तो पहला फंदा एजस्टिच है, धागा पीछे करेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। फिर से यही डिजाइन रिपीट करेंगे, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा और एक उल्टा। फिर से इसी डिजाइन को बनाएंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा और एक उल्टा। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, चार फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। लास्ट में बच गए पांच फंदे, चार फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट के एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। स्लिप करना हो तो आप सीधा बनाइए। तीन सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो गई, चौथी सिलाई उल्टी साइड पर, ये हमारी दूसरी सिलाई के जैसे बनेगी। पहला फंदा एज स्टिच, यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। एज स्टिच के बाद चार उल्टे, एक दो तीन और ये चार। फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हमें सीधा बुनना है, हर बार हमें ऐसे ही करना है, ऊपर वाले फंदे को छोड़कर नीचे वाले छेद में सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले छेद में सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुन देंगे। फिर चार फंदे उल्टे, आपको ये चार फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर एक फंदा हमारा ये सीधा बुना जाएगा और सीधे वाले का यही ध्यान रखना है, ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले छेद में सिलाई डालनी है। फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, इस फंदे को हम ऐसे करके सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, चार उल्टे, एक दो तीन और ये चार। फिर धागा पीछे, इस फंदे को ऐसे करके हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, इसे हम यहाँ से सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, बहुत ही आसान डिजाइन है। फिर धागा पीछे, इस फंदे को नीचे वाले छेद में से सीधा बुनेंगे। फिर एक उल्टा, फिर इस फंदे को हम ऐसे यहाँ से सीधा बुनेंगे और सिलाई से उतार देंगे और लास्ट के पांच फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। तो चार सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी पांचवी सिलाई और सीधी साइड पर। पांचवी सिलाई में थोड़ा सा बदलाव आएगा, इसे आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा एज स्टिच है, अब यहाँ से हम डिजाइन को शुरू करेंगे। चार फंदे ये उल्टे, एक दो तीन और ये चार। अब ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये हमारा ऐसे ही चलेगा। चार उल्टे बुनने के बाद ये एक उल्टा हो गया, एक फंदा हमारा सीधा हो गया और ये एक फंदा उल्टा। एज स्टिच के बाद ये सात फंदे का डिजाइन है, इसी को बार बार रिपीट कीजिए। फिर से चार फंदे हमारे देखिए यहाँ उल्टे आ गए, एक दो तीन और ये चार।
फिर ये एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, इनको बुनिए, एक उल्टा धागा पीछे, एक सीधा एक उल्टा। फिर से डिजाइन को बनाएंगे चार उल्टे, एक दो तीन और ये चार, फिर ये एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, इनको बुनिए, एक उल्टा हो गया, एक सीधा एक उल्टा। फिर से डिजाइन को बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार फंदे उल्टे हो गए, फिर ये वाला फंदा भी उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा एक उल्टा। लास्ट के पांच फंदे बच गए, इनको भी हम उल्टा ही बुन देंगे। तो पांचवी सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए छठी सिलाई और उल्टी साइड पर। छठी सिलाई को देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे, ये चार फंदे अब यहाँ सीधे बुने जाएंगे, एक दो तीन और ये चार। अब ये हमें ऐसे ही रिपीट करने हैं, सीधा उल्टा सीधा। तो सीधे वाले को हर बार ऐसे ही बुनना है, ऊपर वाले फंदे को छोड़िए, नीचे वाले छेद में सिलाई डालिए और इसे सीधा बुनकर उतार दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर से हमें इसी डिजाइन को रिपीट करना है, यहाँ तक हमारा सात फंदे का डिजाइन बना है, चार सीधे, एक दो तीन और ये चार। फिर ये चार सीधे बुनने के बाद ये वाला सीधा है, नीचे वाले छेद में से इसको सीधा बुनेंगे और उतार देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इसे भी हम ऐसे नीचे वाले छेद में से सीधा बुनेंगे और उतार देंगे। फिर से यही डिजाइन बनाना है, एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे। फिर ये जो सीधा दिख रहा है, नीचे वाले होल में सिलाई डालकर इसे सीधा बुनिए और उतार दीजिए। फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इसको हम यहाँ से सीधा बुनेंगे। फिर यही डिजाइन बनाना है, चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। अब ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, नीचे वाले छेद में सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, नीचे वाले छेद में से इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। लास्ट में आपके पांच फंदे बचेंगे, चार फंदों को आप सीधा बनाइए और एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। आप चाहो तो इसे सीधा बुनकर स्लिप कर सकते हो। तो ये हमारा छह सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो गया है। इन्हीं छह छह सिलाइयों को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा आपका ये डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए एज स्टिच के बाद चार सीधे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, यही आपने इसको दोहराते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।